नमस्कार, मैं शारदा सवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सुपारा स्टेशन के पास। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 फरवरी से सरकार के आदेश अनुसार लोकल ट्रेन सेवाएं एक सीमित समय पर आम जनता के लिए शुरू कर दी गई है। वहीं लगातार हम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। आज संडे है, संडे के दिन लोग अधिकतर अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। इसी विषय पर आज हमने लोगों से बातचीत की, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे सरकार ने जो टाइम टेबल रखा है ट्रेन का, वो गलत है। जो पहला जो टाइम था ना, वही सही है। अभी हर लोग का, आम आदमी का टाइम टेबल नहीं मैच हो रहा है। जॉब के बारे में जो जॉब है, टाइम है 9 से 6 बजे रहता है, कभी 8 का ड्यूटी रहता है, वो मैच नहीं हो रहा है आम आदमी का। तो सरकार भी ध्यान रखना चाहिए। जो पहला जो टाइम था वही सही है। धीरे धीरे जैसा ख़त्म हो रहा है, वैसा टाइम का भी सरकार देखना चाहिए आम आदमी का। अभी इतना 7-8 महीना ट्रेन तो बंद था, बहुत जन का प्रॉब्लम हो गया काम के बारे में, बहुत जन का अभी किसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। अभी क्या करेंगे? अभी जो है सब टाइम सब चालू हो रहा है, मंदिर चालू हो रहा है, होटल चालू हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम टेबल क्यों नहीं चालू हो रहा है पहले से? ऐसा मेरा इतना ही विनती है सरकार से कि जो पहला का टाइम टेबल है वही सही है। ये सीमित सेवा जो है वो आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोग जो नौकरी करते हैं, जो दिन हर दिन रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, उनकी हालत क्या होगी? वो कोई टाइम नहीं रहता है उनको माल की डिलीवरी करना, ये करना। 60 साल के उम्र के लोगों को भी ये सरकार तकलीफ दे रही है। अभी 60 साल की उम्र में उनका नहीं है अपना, उनके पास बेटा नहीं है, वो अकेले जो लोग रह रहे हैं, वो उनकी हालत क्या होती है वो उनको ही मालूम है। अपना भिखारी लोग भीख मांग के जीते हैं, अमीर लोग उसके पैसे के जोर पे जीते हैं। हम लोग अपना जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ये ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ऐसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना लोकल ट्रेन सेवा आम नागरिकों के लिए पास टिकट दिया जाए और ट्रेन की अच्छी सुविधा मिल सके। गांव में जाने के लोगों के लिए भी हालत खराब है, उनको भी रिजर्वेशन कराना पड़ता है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो आदमी गांव भी नहीं जा सकता है। अरे भाई, इसमें पूरी पब्लिक को परेशानी है। हर रात को 3-3 बजे रात को लोग उठते हैं और ट्रेन सेवा के लिए मतलब आते हैं। अब 3 बजे रात को आदमी उठ करके आएगा, कब सोएगा, कब अपनी ड्यूटी करेगा, या और कोई कार्य उसे करना हो तो कैसे करेगा? और कोरोना का जो हिसाब किताब चल रहा तो खत्म हो गया, 1 हफ्ते आप ट्रेन चालू करके हो गया आपको, तो अभी इसमें कोरोना को कोई तो मतलब कि एक भी केस आया नहीं। जो कुछ केस नहीं आया तो उसके मतलब फिर कोरोना का मतलब क्या हुआ? आपका सरकार से क्या निवेदन? निवेदन हमारा यही है कि मतलब कि रेगुलर ट्रेन चालू कर दी जाए, लोकल ट्रेन, ताकि लोगों की परेशानियाँ हट जाएँ। आज नौकरी पेशा वाले मतलब छोटे मोटे वर्कर हैं, कितनी बड़ी परेशानी उनको हो रही है। आज उनकी 200 रुपये पगार है, हाँ, और वो 150 रुपया रोज का बस भाड़ा दे रहे हैं, और उसके बाद में उनको बचता क्या है? अपना घर कैसे चलाएंगे वो लोग? एक ट्रेन सेवा सस्ती सेवा है, उसमें भी मतलब ये परेशानियाँ हैं। समय दिया है उसकी वजह से ट्रैवलिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। और अभी देखिए, आज मेरा 7 बजे का टाइमिंग था और बीच में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे 2 घंटा पहले आके बैठना पड़ रहा है। तो ये इतनी दिक्कत हो रही है। और मैं रहती हूँ गोरेगांव से नाला सुपारा अगर मुझे बस से आना पड़े तो मेरा ट्रैवलिंग में इतना सारा टाइम जा रहा है। तो अभी ये चीज़ें नॉर्मल कर देनी चाहिए। और जिस तरीके से कोरोना का इन्होंने फैलाव करके रखा है, अभी ट्रेन में इतनी गर्दी हो रही है, कितने लोग मास्क लगा रहे नहीं लगा रहे, इसका कोई यही नहीं बचा है। तो अभी बिना काम का लोगों को परेशान करके मुझे लगता है कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नॉर्मल हो जाना चाहिए अभी ये चीज़। सरकार से आपको क्या चाहिए? इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अभी सब नॉर्मल कर दिया जाए। एटलीस्ट ट्रैवलिंग तो प्रॉपर होना चाहिए, तो एटलीस्ट लोग रूटीन में आ जाए और सबका काम प्रॉपर तरीके से हो। जो दिक्कत हो रही है वो लोगों को नहीं होगी। इस विषय में जो है हम लोग यथावत चाहते हैं, जैसे पहले ट्रेन की व्यवस्था थी वैसा ही चाहते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बस में, मार्केट में, सब जगह जो है क्राउड से आदमी चल रहे हैं। तो ट्रेन में जो है एक व्यवस्था जो किया गया है अच्छी बात नहीं है। क्या ये सीमित समय से आप खुश हैं? नहीं नहीं आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं? अरे हम लोगों को, मुझे जाने का 9 बजे के मॉर्निंग में,
और आने का जो है और लोगों को, किसी को 4 बजे आने का, किसी को 5 बजे आने का, किसी को 6 बजे आने का। 6 बजे आदमी जो छुट्टी करता हो 3 घंटा वेट करेगा क्या? वेट नहीं कर सकता, उसको भी तकलीफ है, सबको तकलीफ ही है इससे। इस सरकार से हम लोग यही निवेदन करना चाहेंगे, जब पहले जैसे ट्रेनें चलती थी लोकल, वैसे ही आज भी चलाया जाए।